वेलकम टू इट्स कानिश यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनु कानिश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिमाचल प्रदेश में आने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं नेम ऑफ़ द पोस्ट के बारे में। तो टेक्नीशियन इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर, ये नेम ऑफ़ द पोस्ट रहेगा और इसके लिए एक पद भर जाएगा OBC कैटेगरी से। इसके लिए जो सैलरी है 19,900 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास विद साइंस सब्जेक्ट, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और साथ में ITI सर्टिफिकेट इन द कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट NCVT का, या आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन इन द एरिया ऑफ कारपेंट्री, नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा। इसके लिए एक पद भरा जाएगा OBC कैटेगरी से। सैलरी यहाँ पे सेम ही रहेगी और इसके लिए क्वालिफिकेशन इसमें 10th आपकी होनी चाहिए, साथ में साइंस सब्जेक्ट आपका 10th में होना चाहिए विद 55% मार्क्स भी होने चाहिए और इसके लिए जो ITI का सर्टिफिकेट है, ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ कारपेंट्री और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये भी आपका इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन इन द एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके लिए 2 पद भरे जाएंगे अनरिजर्वड कैटेगरी से। सैलरी यहाँ पर सेम रहेगी पर इसके लिए जो ITI का सर्टिफिकेट है, ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ हॉर्टिकल्चर और 2 ईयर एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये इसके लिए एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन इन द एरिया ऑफ फूड एंड बीवरेज, इसके लिए 1 पद भर जाएगा SC कैटेगरी से। सैलरी यहाँ पर सेम रहेगी और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ फूड एंड बीवरेज, ये आपका होना चाहिए, साथ में आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ट्रेड से रिलेटेड। और नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन इन द एरिया ऑफ मैन्युफैक्चर, इसके लिए 1 पद भर जाएगा अनरिजर्वड कैटेगरी से। सैलरी यहाँ पे सेम रहेगी और क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम है पर ITI का सर्टिफिकेट जो है आपका, ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये आपका होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन इन द एरिया ऑफ गेस्ट हाउस मैनेजमेंट, ये यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा। इसके लिए 1 पद भर जाएगा EWS कैटेगरी से और सैलरी यहाँ पे सेम रहेगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट इन फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ये आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस फुल टाइम एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ये आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ट्रेड से रिलेटेड। और नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन इन द एरिया ऑफ फीटर, ये यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा और इसके लिए 1 पद भरा जाएगा अनरिजर्वड कैटेगरी से। सैलरी यहाँ पे सेम रहेगी, क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 10th पास आपकी सभी में होनी चाहिए बेसिक और ITI सर्टिफिकेट यहाँ पे इन द ट्रेड ऑफ फीटर, ये आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT का और साथ में 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ फीटर, ये आपका यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो इसके लिए 1 पद भरा जाएगा अनरिजर्वड कैटेगरी से। सैलरी यहाँ पे सेम रहेगी, इसके लिए आप +2 पास होने चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट विद अकाउंटेंसी एज एन वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। तो यहाँ पे आपकी जो कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड है, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और साथ में हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात की जाए जनरल कंडीशन के बारे में, किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो एज है 18 से 28 ईयर के बीच होनी चाहिए और यहाँ पे 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना होगा। स्क्रीन पर आपकी यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब आप अप्लाई करेंगे तो जो एड्रेस फिलअप करेंगे आप यहाँ से फिलअप कर सकें।
और यहाँ पे आपका जो ड्राफ्ट है 100 रुपये आपका उसमें लगेगा, और साथ में आपके जो सर्टिफिकेट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन, ये सर्टिफिकेट चाहिए आपका, और कलर्ड फोटोग्राफी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट रहेंगे, ITI सर्टिफिकेट रहेंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट भी रहेंगे, और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपके साथ में लगेंगे जब आप इसमें अप्लाई करेंगे। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, तो सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहेगा SSC प्लस ITI प्लस टू स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन आएंगे। एग्ज़ाम आपका OMR भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये वीडियो आपके किसी काम आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे।